Hello friends, welcome back to Mechanical Wing. Today I am going to start with a new lathe machine operation, that is chamfering operation. So start karte hain chamfering operation. What is chamfering operation? Chamfering remove the burrs and sharp edges and thus make the handling safe. Chamfering operation mein hum burrs and sharp edge ko remove karte hain taki isko safely handle kiya ja sake. Chamfering can be done by form tool. Chamfering operation के लिए हम form tool का use करते हैं, okay? और यहाँ पे जो angle होता है, chamfer angle, वो generally 45 degree होता है. Chamfering क्या होता है? अगर हम कोई edge काटते हैं किसी भी angle पे, तो उसको chamfering बोलते हैं. मान लीजिए कि हमारे पास एक square product है, okay? और इसको हमने इस edge पे एक एंगल पे कट कर दिया है, तो इसको हम बोलेंगे चैम्फर. तो चैम्फरिंग का मतलब होता है किसी भी एज को काटना किसी भी एंगल पे. तो लेथ मशीन के ऊपर हम चैम्फरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास सिलेंड्रिकल रॉड होता है, वर्कपीस होता है जो चक से कनेक्ट होता है. यहाँ पे लगा होता है चक. चक क्या होता है? जो रोटेट करता है और वर्कपीस को होल्ड करके रखता है. चक के अंदर सिलेंड्रिकल रॉड फिट होता है, डैट मीन्स ये हमारा वर्कपीस चक के अंदर फिट होता है. और दूसरी तरफ से लगा होता है टेल स्टॉक. ये हमारा टेल स्टॉक है और टेल स्टॉक के साथ कनेक्ट होता है डेड सेंटर, जो कि टेल स्टॉक के लेफ्ट साइड में होता है. ये डेड सेंटर वर्कपीस को सपोर्ट करता है, इसके अंदर कोई मोशन नहीं होता, सो इसको हम लोग बोलते हैं डेड सेंटर. ये बस सपोर्ट करने का काम करता है वर्कपीस को. यदि हमारे पास कोई लंबी रॉड है तो वर्किंग के दौरान वो बेंड ना हो जाए, इसके लिए हम लोग डेड सेंटर का यूज़ करते हैं. ये डेड सेंटर वर्कपीस को सपोर्ट करता है, ओके. ये हमारा टूल है, इसको बोलते हैं चैम्फरिंग टूल. टूल भी हमारा स्पेशल डिज़ाइन होगा इस तरह का, इसको बोलते हैं फॉर्म टूल. ये फॉर्म टूल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग बनाते हैं. जितने एंगल पे या फिर जैसा हमको चैम्फरिंग चाहिए उस टाइप का हम टूल बनाते हैं, ओके. जब हम पावर सप्लाई करेंगे तो हमारा चक रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा और चक से कनेक्ट है वर्कपीस, सो वर्कपीस भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. सबसे पहले हम ऊपर की तरफ फीड देंगे, डैट मीन्स वर्कपीस एक्सिस के परपेंडिकुलर सबसे पहले हम फीड देंगे. और जैसे ही ये टूल वर्कपीस के सरफेस को टच करेगा तो इसमें राइट टू लेफ्ट फीड देंगे, इस तरह से फीड देंगे, वर्कपीस एक्सिस के पैरेलल फीड देंगे. इस टूल में सबसे पहले ऊपर की तरफ फीड देना है और जैसे ही ये टूल वर्कपीस के सरफेस को टच करेगा फिर इसको हम राइट टू लेफ्ट फीड देंगे और ये वर्कपीस चैम्फर होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जहाँ तक हमें चैम्फरिंग करना हो वहाँ तक हम कर लेंगे. तो ये है हमारा ओवरऑल चैम्फरिंग प्रोसेस. चैम्फरिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं हम लोग बर को रिमूव करने के लिए. मान लीजिए वर्कपीस के इस कॉर्नर पे कोई बर है या फिर कोई शार्प एज है जो कि ऑपरेटर के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, सो इसको हम लोग चैम्फर कर देते हैं ताकि ऑपरेटर इसको सेफ हैंडल कर सके, ओके. ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि चैम्फरिंग से बनाया गया है. चैम्फरिंग ऑपरेशन से इस टाइप का प्रोडक्ट हमें मिलता है, ओके. यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें ताकि ऑल न्यू अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें देते रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.